हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस अमेजिंग और पावरफुल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सब सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर सम फार्मूला का यूज। दोस्तों नॉर्मली में आप लोग सम फार्मूला का यूज दो तरीके से किए होंगे, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम सब सीखने वाले हैं पांच तरीके से, यानी कि पांच तरीके से हम कैसे शॉर्टकट की के जरिए सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी और फास्ट तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्सेल में हमने एक डाटा को यहाँ पे बना कर रखा है, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ टोटल कैसे निकाल सकते हैं पांच तरीकों से, यानी शॉर्टकट की के जरिए भी निकाल सकते हैं और हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नॉर्मली में हम लोग करते क्या है, हम यहाँ पे इक्वल को टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सम टाइप करते हैं। सम टाइप करने के बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ओपन ब्रैकेट आपको शिफ्ट के साथ नहीं लगाना है तो इसके लिए भी ट्रिक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे टैब बटन को प्रेस कर देना है। कीबोर्ड में जो टैब बटन है इसको हम एक बार प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमें जो भी डाटा यहाँ से लेकर के जोड़ना है उस डाटा को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे डाटा था, जो भी नंबर था, ये जुड़कर यहाँ पे टोटल इसका आ चुका है। एक तो तरीका इसका ये होता है सम फार्मूला का यूज करके यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। इससे भी आसान आपका ये होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक ब्लैंक सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको होम टैब में ही दिखाई देगा ऑटो सम का एक ऑप्शन, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट ही जोड़ करके हमें यहाँ पे दे दिया। लेकिन इस चीज़ को हम शॉर्टकट की के जरिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी तो आपको जाना पड़ा ऑप्शन में, लेकिन ये हम कीबोर्ड के शॉर्टकट की के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसे हम यहाँ से आकर के इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में आल्ट बटन दिखाई देगा, आल्ट को आपको दबाए रखना है। उसके बाद आपको इक्वल बटन यानी कि प्लस जो आपको दिखाई दे रहा है उस बटन को हमें यहां पे प्रेस कर देना है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट बिना कोई भी फॉर्मूला लगाए हुए ये टोटल इसका निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से भी हम यहां पे शॉर्टकट की के जरिए डायरेक्ट ही टोटल निकाल सकते हैं किसी भी डाटा का। उसके बाद हम आपको यहां पे बता दें, आप एक नॉर्मल में ये भी टाइप कर देते हैं कि यहां पे इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहां पे इसको डाटा को लेंगे, उसके बाद यहां पे हम प्लस ले लेंगे, उसके बाद फिर से डाटा को, इस तरीके से भी डाटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं सेलेक्ट करके प्लस लगा करके भी यहाँ पे हम टोटल निकाल लेते हैं। इससे भी आसानी होती है लेकिन इसमें टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट का ही यूज़ करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डाटा हमारा निकल के आ चुका है टोटल। इस तरीके से भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन ये डाटा कब जोड़ा जाता है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग संख्या दूर दूर सेल में रखा है तब हम इस तरीके से इसे हम जोड़ सकते हैं प्लस का लगा करके साइन। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इस तरीके से हमें इसे सेलेक्ट कर लेना है, ब्लैंक सेल को भी सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे जो खाली सेल है खाली सेल में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आल्ट के साथ आपको यहाँ पे इक्वल बटन को प्रेस करना है, यानी कि प्लस जो आपको दिखाई दे रहा है इस बटन को आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और जो भी डाटा हमारा है वो डाटा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जोड़कर टोटल इसका निकल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉर्मली में क्या करते हैं इस तरीके से ड्रैग करते हैं नीचे की साइड में, तो जो भी यहाँ पे इसका टोटल रहेगा सभी टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, अगर डाटा आपका ज़्यादा लंबा है यानी कि बड़ा है तो हमें करना क्या होगा, इस तरीके से ड्रैग करने में हमको आसानी नहीं होगी, टाइम लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे तो देख पा रहे हैं कि पहले हमारा प्लस का आइकन इस तरीके से था, लेकिन इस पर जाने के बाद यहाँ पर प्लस का आइकन कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर जा करके हम जैसे ही डबल क्लिक कर देंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि सभी का टोटल यहां पे निकल के एक ही बार में आ चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम डबल क्लिक करके इसे हम टोटल निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अब यहां पे भी हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ऊपर से जोड़ना है इस डाटा को तो क्या करेंगे हम यहां पे, तो इसके लिए भी वही फार्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं। इसके लिए भी हम आल्ट के साथ इक्वल साइन को प्रेस करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा डाटा है वो डाटा यहां पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे हम यहां पे इंटर बटन को प्रेस करेंगे, उस
उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपका ये टोटल निकल के इसका भी आ जाएगा। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि ये भी टोटल हमारा निकल के आ चुका है। अन्यथा ऐसे में नहीं करना है तो करना क्या होगा, आपको इस तरीके से डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं दिखाई दिया, डायरेक्ट ही ये क्या हुआ आपका जोड़ के यानी कि टोटल निकल के इसका आ चुका है। तो इस तरीके से हम 5 तरीके से यहाँ पे सम फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से ट्रिक्स और ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ एक्सेल में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।